डाइट फैकल्टी और हमारे एमटी और आप सभी मेरे कलीग्स, जैसे कि आप सबने देखा कि 3 दिन हमने यहाँ पर ई कंटेंट डेवलपमेंट पे काम किया है और ये 3 दिन सच में सर जो आपने कहा कि हम चाह रहे थे 5 दिन की थी, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ एप्लीकेशन बेस है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इनको कर रहे थे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और हमें लग रहा था कि और टाइम मिले, लेकिन कोई नहीं सर, हमने इसकी भरपाई घर जाकर काम करके की है। जो भी असाइनमेंट आए हमने पूरा किया है, घर जाके फिर से हमने 1-2 घंटा इसको दिया है। 3 दिन हमारे बहुत अच्छे यहाँ पर रहे और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे केआरपी थे, बड़े डेडिकेटेड थे और काफी मेहनत करते वो आए थे रोज की तैयारी के लिए। मैं भी पहले एमटी रही हूँ तो मेरे को पता है कि प्लानिंग नेक्स्ट डे की पहले ही करके चलनी होती है और ये सब एप्लीकेशन बेस है तो फ्यूज कैसे करवानी है, कैसे क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे साइन, बहुत अच्छी प्लानिंग इनकी थी और इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही अच्छा था। तो एमपी हमारे वास्तव में सर बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे एमपी हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। फर्स्ट डे हमने सबसे पहले गूगल क्लासरूम पर काम किया, ये वो ऐप था जिसपे शायद हम पहले भी इसे नॉन थे, कोविड टाइम में अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं वहां जा तो काम आता था, वहां हम उनका खुद ही ऐड करके भेजते थे, लेकिन इतना नहीं पता था इसपे हमें भी एज ए टीचर कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैसे देना है, असाइनमेंट असाइन कैसे करने है, बस उन बच्चों को हम अपलोड कर देते थे, इतना ही आता था। अब इसके बारे में हम सब इतने अच्छे से जान गए हैं, एज ए टीचर हम बहुत अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं, हम टीचर्स को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप डिजिटल रूप से भी बच्चों को कैसे काम दे सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, कैसे क्रिएटिव वे में और इनोवेटिव वे में आप उनसे काम ले सकते हैं और किस तरीके से आप बच्चों की यहाँ पर मार्किंग भी और असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो राकेश सर ने ये हमें करवाया था सर, बहुत अच्छा है, हम कहेंगे आपने जितना अच्छा हमें करवाया है उतना ही हम कैच कर पाए और कोशिश करेंगे इसमें प्रैक्टिस से और भी अच्छा हम कर पाए। नेक्स्ट था कैनवा, जो आपकी इंफॉर्मेशन और ग्राफिक के साथ हमने किया, ये बजट में बहुत काम आने वाला है सर, जैसे एडमिशन अभी चल रहे हैं तो इसमें पोस्टर मेकिंग में या हमारी बीच बीच में ट्रेनिंग होती है, एसएमसी की ट्रेनिंग है उसमें, तो पोस्टर मेकिंग ग्राफिक के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन देना अट्रैक्टिव वे में, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर हम एडमिशन के लिए भेज रहे हैं बच्चों या कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग की है तो बहुत अच्छे वे में इन्विटेशन वगैरह भी बना के हम वहाँ सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें वर्कशीट वगैरह वो सब भी हमने सीखी, तो ये एक मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आरती मैम ने इसको हमें करवाया और बहुत अच्छे से हमें बताया और सबका भी असाइनमेंट सबका इसका पूरा हो गया है, सबको अच्छा लगा। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया का टाइम है तो हम अपनी वीडियोस या फोटोज को इस तरह डिजाइन करते हैं, वहां पर भी इन पे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है स्टार मेकर, स्टार मेकर अंजू मैम ने हमें करवाया था और इस पर हमने वो इस पे काम किया कि हमें म्यूजिक वहां से मिल रही है, साउंड हमें वहां से मिल रही है, हम बच्चों को पोएम्स या कविता जो सुना रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक हम ले सकते हैं, वो सब हमने इसमें सीखा। कल का जो सेशन था उसमें हमने क्यूजीज और वर्ड बोल पे काम किया, क्यूजीज पे कैसे हम क्यूज बनाएंगे, कैसे उसको साइन करेंगे, किस तरीके से ऑटोमेटिक क्रैक करेंगे, क्रैक उसमें डाल देंगे तो बच्चे करेंगे तो साथ साथ पता चल रहा है, ऐसे वर्ड बोल पर भी अलग अलग तरीके से व्हील लिया हमने या कार्ड्स लिए उनको कैसे स्पिन कर रहे हैं, कैसे सफल कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका कि बच्चों को इसमें ना बच्चे क्या होते हैं कि प्ले वे मेथड्स उनको लगता है, ग्रुप में ये डालते हैं तो वो बहुत कितनी देर काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा और सोल्व भी हो जाए क्योंकि एक एक्टिविटी लगती है कि बस करते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं, जिसका हम कहेंगे लर्निंग बाई डूइंग है, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा इसमें पूरा हो रहा है। और आज हमने जो काम किया ओडिसिटी पे, जो हमने वो इस पे काम किया कि हम कोई भी कविता पोएम गाना या कुछ भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे तो बैकग्राउंड म्यूजिक या उसके साथ म्यूजिक किस तरीके से हम ले आ सकते हैं उस पर हमने काम किया। और लास्ट में हम लूमी पे काम कर रहे थे सर, लूमी पे भी हमने ये सब क्यूज बनाना और इसके अलावा हमने बोल में वर्ड बोल में तो लेसन पे भी काम किया था ना कि क्यूज पे, तो बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें भी अलग अलग तरह के लूमी में से हम टाइप्स के हमने
दिखाया कि इस तरह से हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, इस तरीके डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने सर 7 एप्लीकेशन की और ये बहुत अच्छी रही, हम बहुत अच्छे से इसमें सीख पाए और सर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हो रहा तो हम घर जाते भी इन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ग्रुप हमारा बन गया है, कोई डाउट आएगा तो हम अपने एमडी से बार बार पूछते रहेंगे। तो मुझे तो ये 3 दिन काफी अच्छे लगे, अच्छे इसलिए लगे कि वास्तव में काफी कुछ यहाँ सीखने को हमें मिला। तब हम आए फर्स्ट डे या लेटर में नाम आया हमें डाइट में ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जाना है, तो हमें लग रहा था कि हमें इसकी क्या जरूरत है, कंटेंट डेवलपमेंट तो टीचर करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये अब ऑफलाइन क्लास है तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई। अब 3 दिन में वो माइंड सेटअप तो हमारा चेंज हुआ है कि ऑफलाइन क्लास के साथ भी इसकी जरूरत है, एक क्रिएटिव वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलाने के लिए, एक इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की फैसिलिटीज देके या इस तरह का काम करके हम कहते हैं कि वो एडवांस है, तो ये हम बहुत फ्री में थोड़ी सी मेहनत से हम भी एडवांस हो सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी एडवांस हो सकते हैं अगर इस तरह के प्रयास किए जाए। तो मुझे ये 3 दिन बहुत अच्छे लगे सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं डाइट फैकल्टी का एमटीच का धन्यवाद करना चाहूंगी एक बार फिर से, इस तरह की ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। बकायदा कोई बजट नहीं था, हमें कोई दिक्कत नहीं आई बजट की वजह से, हम खाना ले आए खाए अलग, हम सब मिला के खाए अलग अलग वैरायटी का, वैसे ही हो जाता था, उसकी कोई टेंशन नहीं है सर। बजट ना हो तब भी हमारी ट्रेनिंग आप जितना दिन चलाना चाहे चलाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।